नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 2007 में हुए अजमेर ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 22 मार्च को इसमें देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा दी है। इससे पहले 8 मार्च को एनआईए कोर्ट का फैसला आया था, तब 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। इस केस में जिन लोगों को दोषी पाया गया था उसमें सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता का नाम शामिल था। सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है, वहीं जिन लोगों को बरी किया गया था उसमें स्वामी असीमानंद के अलावा चंद्रशेखर का नाम शामिल था। यह ब्लास्ट अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर हुआ था। यह हमला 11 अक्टूबर 2007 को हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 17 लोग जख्मी हुए थे। 2011 में केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। इससे पहले 2007 तक सिर्फ 2 एफआईआर रजिस्टर की गई थी। असीमानंद के अलावा इस केस में देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवी, मुकेश वासनी, भारत मोहन रतेश्वर, लोकेश शर्मा और हर्षद सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।